नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश वर्मा, आप देख रहे हैं मेडिसिन किंग। और दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ मलेरिया के लिए बहुत ही अच्छा रामबाण इलाज। दोस्तों, आज हम जानेंगे मलेरिया के इंजेक्शन के बारे में, इसके यूजेस के बारे में, इसके क्या साइड इफेक्ट है उसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, कौन सी कंपनी का इंजेक्शन है उसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, और उससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें दोस्तों, क्योंकि मेरी आने वाली वीडियो का आपको नया नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, वीडियो को आगे शुरू करते हैं। दोस्तों जान लेते हैं ये इंजेक्शन कौन सी कंपनी का है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर इंडिकेट हो रहा है इपका लेबोरेट। दोस्तों, ये इपका इस इंजेक्शन को बनाती है दोस्तों, और इस इंजेक्शन को दोस्तों अल्फा बीटा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, यहाँ पर नज़र डालते हैं दोस्तों, रेफपीटर ए बी इस इंजेक्शन का नाम है दोस्तों, और इसमें ये देखिए ए बी अर्थरेट इंजेक्शन इसका कंटेंट है दोस्तों। ये 150 mg में आता है दोस्तों, और दोस्तों इसके MRP पर नज़र डालें तो 94.3535 का MRP है, पैसे इसका MRP है। एक्सपायरी डेट पर नज़र डालते हो, मई 2020 की एक्सपायरी डेट है दोस्तों। और दोस्तों, ये इंजेक्शन यूज़ में लाया गया है, आप देख सकते हैं टूटा। और दोस्तों, मैं ये देखो दिखा देता हूँ आपको, इस तरह का ये इंजेक्शन है दोस्तों। और दोस्तों, ये मलेरिया के उपचार के लिए ही काम में आता है दोस्तों। और जान लेते हैं दोस्तों, इसके कैसे यूज़ करना है और ये कौन कौन से काम कैसे आता है दोस्तों। दोस्तों, जान लेते हैं मलेरिया का पता कैसे लगाएं। दोस्तों, अगर आपको ठंड लग के बुखार आ रहा है दोस्तों, बहुत ज़्यादा कपकपी ठंड लग रही है दोस्तों, बहुत ज़्यादा बुखार है, या दोस्तों सिर में दर्द है, या पूरे शरीर में दर्द है, तो मान लीजिए मलेरिया आपको मलेरिया के सिम्टम है दोस्तों। या आपको उल्टी आने का दिल कर रहा है, या बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, तो ये आपको दोस्तों मलेरिया के सिम्टम दिखेंगे दोस्तों। तो इससे आपको पता लगेगा कि ये मलेरिया के लक्षण है और मलेरिया हो गया है आपको। अगर दोस्तों आपका मलेरिया पॉजिटिव आता है, तब इस इंजेक्शन को यूज़ करना है दोस्तों। और दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ मैं आपके नॉलेज के लिए बना रहा हूँ, ये डॉक्टर की सलाह से तो बिल्कुल यूज़ करना ही नहीं है दोस्तों, डॉक्टर की सलाह से सॉरी यूज़ करना है। और ये दोस्तों बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के इंजेक्शन नहीं लेना है दोस्तों, ये डॉक्टर की सलाह से ही लेना है। इसको कितने MG लगाना है वो भी मैं बताऊँगा आपको दोस्तों जानेंगे इसको कैसे कैसे लेना है और कितनी डोज में लेना है दोस्तों इस इंजेक्शन को। दोस्तों, इस इंजेक्शन को पर 3 kg के हिसाब से लिया जाता है दोस्तों, 3 mg पर kg के हिसाब से इस इंजेक्शन को लिया जाता है दोस्तों। ये 150 mg के इंजेक्शन में आता है दोस्तों। और दोस्तों, ये बुजुर्ग हो या दोस्तों अडल्ट हो, तो दोस्तों इसको 3 mg पर kg के हिसाब से दिया जाता है। तो दोस्तों, पेशेंट को ये एक इंजेक्शन पूरा दिया जाता है दोस्तों। अगर बच्चा है तो डॉक्टर उस हिसाब से इस इंजेक्शन को देंगे दोस्तों, पर दोस्तों इसके यही डोजेस हैं दोस्तों। इसको KG के हिसाब से दिया जाता है, बिना उसके हिसाब से नहीं दिया जाता इस इंजेक्शन को। और दोस्तों, ये बहुत ही इफेक्टिव इंजेक्शन है दोस्तों। किसी तरह का आपको मलेरिया का बुखार हो, या बार बार आ रहा हो, या सिर में दर्द हो, तो उसके लिए रामबाण इलाज है दोस्तों इस इंजेक्शन। दोस्तों, एक बार हम खोल के देख लेते हैं इस इंजेक्शन को, किस तरह की पैकिंग में है ये। देखिए दोस्तों, इस तरह की आता है ये पैकिंग में, ये देखिए इस तरह की पैकिंग में होता है ये। चलो दोस्तों, नज़र डाल लेते हैं हम साइड इफ़ेक्ट के ऊपर दोस्तों, इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट इस इंजेक्शन को लेने से हो सकते हैं दोस्तों। अगर इंजेक्शन ये लगता है तो उस जगह पे आपको खुजली हो सकती है, चकत्ते हो सकते हैं, या दोस्तों आपको उल्टी आ सकती है, चक्कर आ सकते हैं, या दोस्तों बहुत ज़्यादा ठंड लग सकती है, इसके ये साइड इफ़ेक्ट है दोस्तों। या फीवर हो सकता है, या लूज मोशन लग सकते हैं दोस्तों। अगर इस तरह के आपको कोई साइड इफ़ेक्ट दिखते हैं, तो इंजेक्शन को मत लें दोस्तों, और डॉक्टर की सलाह से ही लें इस इंजेक्शन को दोस्तों इसके यही यूजर्स और साइड इफेक्ट हैं दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें दोस्तों। धन्यवाद।